समय में बड़ी शेड्यूल बड़ी कास्ट के जनरल कास्ट के लोग होते थे तो उनका एक दबाव होता था कैसा, अगर छोटे ग्राम में है उनका कोई काम कराना है तो लेबर को आना है या नहीं आना, तबीयत खराब है लेकिन अगर उन्हें काम कराना है तो उन्हें आना ही पड़ेगा, ये दबाव होता था। और जब वो आए तो उनकी मजदूरी भी नहीं देना, ये सेकेंड चीज, मजदूरी अगर देना भी है तो जितना देना है उतना ही देना, ये कंडीशन थी उस समय मजदूरी। इसके लिए उन्होंने मजदूर दिवस मनाया, लोगों को जागरूकता बताई, मजदूरों के लिए आंदोलन उठाया। एक लाइन उन्होंने कही, सो जाता है वो सड़कों पर रोड पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। ये उस समय की स्थिति थी जैसे महात्मा गांधी ने और भी लोग थे जिन्होंने बताया, लेकिन महात्मा गांधी इकलौते विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हर समुदाय हर वर्ग हर जाति के लिए संघर्ष किया है। ये वो व्यक्ति है जो इंग्लैंड से बैरिस्टर लॉ करके इंडिया आए और एक टूटी फूटी अपनी झोपड़ी में अपनी जायदाद इतना सब कुछ छोड़ के चाहे थे तो विदेश में उनकी जिंदगी राजाओं की तरह निकलती, लेकिन छोड़ के आए वो सिर्फ इन्हीं समाज के व्यक्तियों के लिए, ये उनका बड़प्पन था। एक बार कही जाती है, एक बार महारानी एलिजाबेथ ने महात्मा गांधी को बुलाया तो बुलाने के बाद जब महात्मा गांधी उनकी सीढ़ियों से उनके सिंहासन के ऊपर चढ़ रहे तब किसी ने लिखा था कि मानो ऐसा लग रहा है कि कोई पैगंबर जैसे स्वर्ग से उतर के नीचे आ रहा है। ये उस समय की अवधारणा थी। विश्व के सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा तीन थे जिसमें महात्मा गांधी नंबर टॉप पे है। इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हम उनके फॉलोअर्स हैं, बिकॉज वो एक हमारे देश के आइडियल तो हैं, साथ में हमारे आइडियल पहले हैं, बिकॉज हम एडवोकेट्स हैं और हम उनके ही वंशज जिसे हम बोल सकते हैं, उनके ही फॉलोअर्स, उनके वंशज हैं। इसके लिए हमें अपने एडवोकेट्स वाले कुल का बहुत बड़ा गर्व है। थैंक यू।